जनपद संभल में हयातनगर थाना क्षेत्र के संभल बहजोई रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी संभल यमुना प्रसाद ने बताया कि संभल बहजोई रोड पर बबीना फैक्ट्री के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी संभल की ओर से आ रही एक बोलेरो को रुकने का इशारा किया गया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के जवाबी फायरिंग में मारूफ नाम का पशु तस्कर घायल हो गया, जबकि उसके दो साथी अरशद और फहीम फायरिंग करते हुए भाग निकले। फायरिंग में एक सिपाही राहुल भी घायल हो गया है। इन दोनों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पशु तस्कर के पास से एक बोलेरो, तमंचा और कई कारतूस बरामद हुए हैं। फरार दोनों पशु तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। को पकड़ा गया, एक बड़ी सफलता आप पुलिस को मिली है, क्या कहना है सर? आज ये एक संदिग्ध बोलेरो दिखी जिसको बबीना पास जिसको रोकने का प्रयास किया गया, तो इसमें से उत्तर के बदमाशों ने पुलिस पार्टी को फायर किया। एक सिपाही हमारा राहुल तो ये बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है। किस कैटेगरी का सर बदमाश था, क्या पशु तस्कर या किस तरह? ये गोकस है, गोकसी के साथी बता पर पहले भी मुकदमे है गोकसी के। जनपद संभल में थाना हयात नगर क्षेत्र में बबीना के पास पुलिस मुठभेड़ हुई है। ये एक बोलेरो में कुछ पशु तस्कर थे जो संभल की तरफ से आ रहे थे और इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें एक हमारा कांस्टेबल घायल हुआ है और ये एक अपराधी जो मारूफ है वो घायल हुआ है। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके दो साथी मौके से फरार हो गए हैं, एक अरशद और फहीम, इनकी कॉम्बिंग की जा रही है, लगातार तलाश जारी है और वहाँ इनके पास से एक बोलेरो, एक तमंचा, कारतूस ये सब बरामद हुए हैं। बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है।